बहुत लोग सवाल करते हैं कि मदीने में और सऊदी अरब में सऊदी लोग कैसे रहते हैं, सऊदी लोग का घर कैसा रहता है। तो देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा इस वक्त में मदीना मुनव्वरा और जन्नतुल बकी के पीछे बाएं साइड पे हूँ। और देखिए, सऊदी का घर इस तरीके से रहता है। ये देखिए सऊदी लोग का घर, ये मदीने का घर दिखाया जा रहा है। ये मदीने में कुछ घर तोड़ के बिल्डिंग तामीर किया गया है। देखिए इस तरीके से घर है यहाँ पे सऊदी लोग का। और ये मदीना मुनव्वरा में मैं इस वक्त चल रहा हूँ और मदीना मुनव्वरा का मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस वक्त मदीना मुनव्वरा में 11 बज रहा है। और देखिए रात में, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बताया था कि जुबैल सिटी में था उस वक्त, तो रात में सब दुकान खुला रहता है और दिन में देखिए 4 बजे के बाद ही दुकान खुलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मदीना मुनव्वरा के रिहायशी लोकल लोग हैं और बाहर के शहरी लोग हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरीके से मदीने में घर रहता है। मदीने की हकीकत घर छोटी सी झोपड़ी वाला रहता है, पर यहाँ पे जगह बचाने के लिए और ज़्यादा तक यहाँ पे होटल वगैरह है, क्योंकि मदीने का है, मदीने की गली है, मदीने की बाग है। जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पता कभी इस रास्ते से गुजरे होंगे, उस वक्त सिर्फ रेत ही रेत था, रंबल ही रंबल था। देख सकते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने मदीने की गलियों में घूमने की तौफीक दिया। तो देखिए पीछे बलदिया वाले खड़े हैं, बलदिया वाले जो यहाँ साफ़ सफाई करते हैं सऊदी में, उसे कहते हैं, जो रिटर्नर है उन्हें मालूम होगा। देखिए ये पुराना तरीके से दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से घर था, इसके ऊपर पोस्टर मार के दिखाया जा रहा है। ये देखिए खजूरों का बाग, जिसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत सारा हदीस है, जिसने खजूरों के बाग के ऊपर की बाग खरीदे, यहूदी से बाग खरीद के लिए मुसलमानों को दिए। बहुत ऐसा रिवायत है, बहुत ऐसे हदीसें हैं। और देखिए माशाल्लाह, एक ही पेड़ में 4 से 6 गुमे निकले हुए हैं, ये देख सकते हैं। ऊपर जाके 2 डाले निकले हैं, एक ही पेड़ है, खजूर का पेड़ है। देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन। घर देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत घर है। ये तमाम लोग मस्जिद कुबा से वापस जा रहे हैं नफिल अदा करके। जस्ट इसके अपोजिट उस तरफ मस्जिद मदीना है, मदीना मुनव्वरा उस तरफ है, रोड की उस तरफ। देखिए रमज़ान में किस तरीके से माशाल्लाह मदीने को सजा दिया गया। सल्लम का रोज़ा मुबारक, कितनी खूबसूरत वादी है। हम अब इस वक्त रवाना है मस्जिदुल कुबा की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक माशाल्लाह। अल्लाह तमाम मुसलमानों को यहाँ आने की तौफीक दे। अल्लाह मुझे माह रमज़ान के महीने में अल्लाह ने मुझे बुलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखना नसीब फरमाया।
हमारी किस्मत कहाँ थी यहाँ आने की। सूर की बारगाह में दुआ कबूल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में उम्रा को मुकम्मल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत, रोज़ा मुबारक को ज़ियारत के लिए आया। ये बहुत पुरानी मस्जिद लगती है। तो बात करते करते हम मक्का मदीना में पहुंच गए हैं, मक्का मुनव्वरा में। देखिए अभी दोपहर का वक्त कितना सुहाना लग रहा है यहाँ से। एक बार आते हैं तो जाने के दिल ही नहीं करता है। और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने देख सकते हैं। अरे मस्जिद हराम मस्जिदुल नबी अंदर है। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا صفینا و مولانا۔ اب تک کا میرے سب سے پیاری ویڈیو۔ چل یہ دیکھیے، اس طریقے سے چھتری رہتا ہے اور یہ اس طریقے سے کھل جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ مدینہ منورہ کا بات ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ۔ یہ رمضان کی آج 15ویں تاریخ ہے انگریزی، اور 24واں روزہ ہے سعودی عرب کا۔ और कितना सुहाना मंज़र है। अल्लाह तमाम लोगों को यहाँ की हाजिरी नसीब फरमा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में आया हूँ, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। और देखिए जोहर की नमाज़ के लिए सब जा रहे हैं साना वशाना मस्जिद हराम में, मस्जिद नबी में। मस्जिद हराम से आए, मस्जिद अल्लाह के घर से आए हैं, तो इसलिए नाम बार बार यहाँ कहा जाता है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। Thank you.